एंटिटी भर्ती मामले पर जो है वो एक बड़ी खबर आई है और इस पर ब्रेक लग गया है, यानी ये कैबिनेट बैठक में नहीं जा रही है। आपको हमने कल भी बता दिया था, अफसरशाही की लेट लतीफी से जो है ये मामला फिर लटक गया है और इसमें हमने आपको कल वजह बताई थी क्यों लटका है। आरएनपी रूल्स बन रहे हैं, ये पिछले 5 साल में नहीं बन पाए, अब 1 साल इस सरकार को भी हो गया, अभी भी नहीं बन पाए हैं और जो एंटिटी वाले लोग हैं काफी चिंतित है, बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है और ये इस वाले कैबिनेट के एजेंडे में नहीं जा रहा है। और हिमाचल सरकार को बता दें आपको, केंद्रीय बजट बचाने की भी चुनौती है। हर साल एंटिटी के लिए केंद्र से 45 करोड़ का बजट आता है और ये जो पद हैं 4000 के आसपास भरे जाने हैं, लेकिन जब ये भर्ती नहीं हो पा रही है, जो केंद्र सरकार पैसा देती है 45 करोड़ के आसपास, ये पैसा लैप्स हो जाता है, यानी बिना यूज किए जब आपके पास शिक्षक नहीं है। से रिलेटेड है शास्त्री भर्ती हाईकोर्ट में, जी हाँ, शास्त्री भर्ती की लड़ाई भी अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस बार शास्त्री के भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए बीएड शास्त्री और बीएएमए संस्कृत को भी पात्र घोषित कर दिया था। इसी अनुसार काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है, लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हालांकि कोर्ट में फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोका गया है, लेकिन नियुक्ति कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित रहेगी। उससे पहले काउंसलिंग में बीएड शास्त्री और बीएएमए संस्कृत अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। अब कोर्ट से एचआरटीसी के जो ड्राइवर हैं उनके पक्ष में एक बहुत अच्छी खबर आई है। आपको बता दें, प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के उन ड्राइवरों को 1 साल के बाद नियमित करने के आदेश जारी किए हैं जो वर्ष 2003 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा नियुक्त किए गए थे। हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इन ड्राइवरों को नियमितीकरण से उपजे सभी सेवा लाभ 30 अप्रैल 2024 तक अदा करने होंगे, यानी ड्राइवरों के पक्ष में फैसला आया है। यदि 30 अप्रैल तक यह लाभ नहीं दिए तो देय राशि पर 6% ब्याज भी अदा करनी होगी। यह बड़ा फैसला है। अगर नहीं दिया गया इनको लाभ, तो उसके बाद यह लाभ नहीं दिए गए तो राशि जो है वो इनको 6% की उससे ब्याज भी अदा करना होगा प्रदेश सरकार को। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पथ परिवहन निगम ने अपनी 95वीं बैठक में 2 अगस्त 2003 को 153 ड्राइवरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया था। इन्हें हर माह ₹5,000 वेतन देने का भी जो है वो निर्णय लिया गया था। इस बैठक के आधार पर वर्ष 2003 से 6 तक सैकड़ों ड्राइवर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए, मगर इन ड्राइवरों को 8 साल के बाद भी नियमित नहीं किया गया, नियमित किया गया और प्रार्थियों की कोर्ट के समक्ष दलील दी गई थी कि परिवहन की पॉलिसी के मुताबिक 1 साल के बाद नियमित किए जाने थे। यानी आप समझिए, हालांकि आपको कोर्ट के लैंग्वेज में बता रहे हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमें 8 साल बाद रेगुलर किया गया जबकि पॉलिसी के मुताबिक 1 साल बाद हम रेगुलर होने थे। उन्होंने उनसे पूर्व लगे ड्राइवरों के मामलों का हवाला देते हुए उन्हें जो है वो ये बात कही थी, उन्हें भी उनकी तरह 1 साल के भीतर जो है वो नियमित करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का जो है वो अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि पथ परिवहन निगम ने राज्य सरकार की अनुबंध वाली पॉलिसी को अगस्त 2006 में अडॉप्ट किया। जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम में पथ परिवहन निगम द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया, उस स्थिति में प्रार्थीगण 1 साल की अनुबंध की सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण का अधिकार रखते हैं। यानी जिस प्रकार से आपने इनके 8 साल लिए नियमित करने के लिए, जबकि जो पॉलिसी थी वो 1 वर्ष की थी, 1 वर्ष बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो रेगुलर हो जाने थे, लेकिन आपने नहीं किए। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए पथ परिवहन निगम को यह आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे को लेकर के आए, प्रार्थियों को उनकी 1 वर्ष की अनुबंध की सेवा के तुरंत पश्चात जो है वो नियमित करने के आदेश जारी किए और उन्हें 30 अप्रैल 2024 तक उनकी पिछली तारीख से मिलने वाले। बिजली बोर्ड कर्मचारियों से संबंधित भी यहां पर खबर है। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की अदायगी नहीं हो पा रही है। 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमानों के लाभ से वंचित रखा गया है और इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये बात बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में अप्रैल माह से आज तक लगभग 125 करोड़ रुपए की ड्रॉइंग लिमिट्स लंबित है।
इसकी वजह से पेंशनरों और कर्मचारियों के आर्थिक लाभों की अदायगी नहीं हो पा रही है। उन्होंने आगे कहा, इसी महाविद्युत बोर्ड लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए का ऋण लिया और उससे ठेकेदारों के कार्यों की ड्रॉइंग लिमिट्स जारी कर दी, जबकि 30-35 साल तक विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के लाभों का इंतजार करते ही रह गए। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, कर्मचारियों का सामूहिक बीमा होगा अगले एक साल के लिए, यह बीमा सरकार करवाएगी। आपको बताएंगे कौन से कर्मचारी है, इसके लिए 200 रुपए सभी कर्मचारियों से लिए जाएंगे और ये कोई महीने का नहीं है, सालाना 200 रुपए ये जो है वो कर्मचारियों से लिए जाएंगे। 18 नवंबर से 17 नवंबर 2024 तक यह सामूहिक बीमा होगा, यानी एक साल का ये बीमा होगा 18 नवंबर से 17 नवंबर तक और 200 रुपए लिए जाएंगे। सभी जो विभाग अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से योजना चलाई जाती है। इसमें डेथ पर 5 लाख रुपए, पूर्ण विकलांग पर 5 लाख जो है वो मिलते हैं, इसके अलावा आंशिक विकलांगता पर 2 लाख दिए जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको लेकर के आज अधिसूचना जारी हो गई है, यानी 200 रुपए कर्मचारियों से लिए जाएंगे और 200 के बदले मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाती है, इसके अलावा किसी कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है और आंशिक विकलांगता पर जो है वो 2 लाख रुपए, बाकी मौत पर 5 लाख और जो कह सकते हैं आप पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें आपको बता दें हर साल कर्मचारियों को जो है वो सामूहिक बीमा रिन्यू करना पड़ता है और इसको लेकर डेट हमने बता दी, एक साल की रेगुलर, अनुबंध, दिहाड़ीदार और एडहॉक जो कर्मचारी है उनके लिए ये है और दिसंबर माह से ये जो योजना है, जो बीमा योजना है शुरू हो जाएगी।